तब हम बात करते हैं जेमिनाई की। और जेमिनाई जो है 22 मई से 21 जून तक का इसका टाइम है, और इस टाइम के दौरान जो पैदा होने वाले या इस टाइम की पहली डेट से लेकर जो आखिरी डेट तक लोग हैं जो पैदा होते हैं वो जेमिनाई के साथ उनका ताल्लुक होता है। और इनके लिए ये है कि जो मरकरी जो है वो इनका रूलिंग प्लैनेट है, और हरूफ जो हैं वो काफ दो नुक्ते वाली और काफ हैं। और दिन इसके लिए जो अच्छा समझा जाता है, जो सारे मेरे अल्लाह के दिन हैं, दिन समझा जाता है इसके अंदर बुध। बुध का दिन जो है वो बेहतर समझा जाता है। और रंग जो हैं उसमें मिक्स मल्टी कलर्स हो सकते हैं, और या स्पेसिफिकली अगर हम कहना चाहें तो फिर येलो जो है ना वो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। पत्थर जो है वो अकीक है, सब्ज़ा है, अकीक है, जमुर्द है और जमुर्रद है और फिरोज़ा है। सब्ज़ अकीक पहन लें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो आता है अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा जी, इसके अलावा आपके लिए ये है कि आपने जो हफ्ता गुजारना है उसके लिए थोड़ा सा प्लान आपने ये करना है, ख़ास तौर पे जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है वो बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो मुलाजिम पेशा अफराद जो नस्बता कम उजरत पे या कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, इस वीक में आप अल्लाह की मेहरबानी से एक नई सवारी जो है वो आप ले सकेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके साथ आप सैर व सयाहत का प्रोग्राम जो है वो भी बनाते हुए नज़र आते हैं, और बहुत से काम जो है ख़ुद ब खुद इधर उधर से जो हैं वो होते हुए सुधरते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आपकी जो है ना तर्ज़ गुफ्तगू वो लोगों पे और ज़्यादा मतलब शिद्दत से असर करती हुई नज़र आती है। और दूसरा मैं जनाब अर्ज़ करूँ कि अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों के साथ माली और लेन देन के उमूर पर बातचीत रहेगी, और औलाद को भी सवारी देकर ले सकते हैं, घरेलू माहौल इंशाल्लाह खुश रहेगा। अच्छा जी, अब जो इसके अंदर आ जाता है घरेलू माहौल में हाउसवाइफ्स भी आ जाती हैं और जो लोग मर्द हजरात हैं वो भी आ जाते हैं, तो घर का माहौल जो है इंशाल्लाह आपका बेहतरीन है। इसके जो सदकात हैं वो बुरजोज़ा के वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको, वैसे जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तेआत अता की हो अपने से जो रिलेटेड लोग हैं उनको देख लें। मतलब ये है कि आप खाने पीने की अशिया जो हैं खुर्दनोश की वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो मखलूकात हैं मछलियाँ हैं या आबी जानवर हैं उनको आप मुख्तलिफ़ किस्म के ना मतलब खाने के जो वो हैं पीसेस कर लें, वो चलते हुए पानी में जुमेरात वाले दिन जो है ना वो आप डालें, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि कारोबार में रिस्क में तरक्की है अल्लाह ताला से आप मांग रहे हैं तो फिर आप ये करें कि जो समुद्री मखलूक है खसूसन जो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं कछुए वगैरह जो हैं उनको केकड़ों को आम जो खुराक है उनकी वो डाल दें, पीर का दिन रख लें जो लोग उस साइड पर हैं, तो ये चीज़ जो है ये आपको बहुत सारी जो परेशानी है ना उनसे इंशाल्लाह निजात देगी, क्योंकि सदका जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गान दीन जितने भी हैं सब ने बताया है कि सदका जो है वो बलाओं को टालता है। जी नाज़रीन, अब हम बात कर